ओके सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ फिटिंग ऑफ पैराबोला। पैराबोला पे हम प्रॉब्लम देखेंगे। सो प्रॉब्लम देखने के लिए पहले हम देख लेते हैं ये इसका पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो हमें मालूम करना है ए बी सी। तो ए बी सी हम कैसे मालूम करेंगे, ये है द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला के नॉर्मल इक्वेशन से समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स प्लस सी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम ए फर्स्ट इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। देखो एक्स से मल्टीप्लाई किए तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ए ऐसी रहा, एन को एलिमिनेट कर दिए तो समीशन ऑफ एक्स आ गया प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेकेंड इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, ए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्यूब स्क्वायर का हो जाएगा क्यूब, क्यूब का हो जाएगा फोर एक्स एक्स टू फोर। ठीक है, ये याद करने का मेथड है ताकि हम याद कर सके, एक इक्वेशन को याद करेंगे तीन इक्वेशन हम याद हो जाएगी। तो ये है फिटिंग ऑफ पैराबोला का द नॉर्मल इक्वेशन। इससे पहले हम जो वीडियो में हम पार्ट वन वीडियो में देखे थे तो कर्व फिटिंग में हम देखे थे फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके अंदर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, इसके अंदर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एक टर्म और बढ़ गई तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके अंदर क्या था, नॉर्मल इक्वेशन समीशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी ऑफ समीशन ऑफ x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो एक्स वाई ए ऐसी रहेगा ए एन एलिमिनेट हो जाएगा समीशन ऑफ x प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही बस हम यहाँ पे सी बढ़ गया तो ये तीन इक्वेशन हो गई, यहाँ पे दो इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ सके एंड आप लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। सो चलो प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। सो जैसे आप लोग देख सकते हो ये मैंने क्वेश्चन लिया हूँ, इसके अंदर इसने बोला है फिट अ सेकेंड डिग्री ऑफ कर्व टू फॉलोइंग डाटा। कभी कभी हमें बोलेगा पैराबोला, कभी कभी बोलेगा सेकेंड डिग्री, तो सेकेंड डिग्री का मतलब क्या होता है, पैराबोला ही होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये हमें दिया है एंड फॉलोइंग डाटा दिया है एक्स स्मॉल वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाई 2 6 7 8 10 11 11 10 9। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए वही हमारा पहला मेथड कि हम कॉलम बनाएंगे, एक्स वाई को कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। सो मैंने लिख दिया हूँ जो गिवन डाटा हमें दिया था क्वेश्चन में, उसे मैं यहाँ पर कॉलम में लिख चुका हूँ। सो अभी हमें कौन सा कॉलम और बनाने हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समीशन ऑफ वाई चाहिए हमको, तो समीशन ऑफ वाई मिल जाएगा, इसको टोटल कर देंगे। एन का मतलब होता है टोटल टर्म, टोटल टर्म कितने, नाइन है तो एन नाइन हो गया। ए तो एज इट इज़ रहेगा, बी सी बी भी ऐसी रहेगा, समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स मतलब ये टोटल। ठीक है, ये भी मिल जाएगा हमें। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर करो। ठीक है, तो हम ये एक कॉलम बढ़ा दिए तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, वैसे हम सबका मालूम कर देंगे। सो जैसा आप लोग देख सकते हो मैंने मालूम कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब समीशन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई यहाँ पे हमें नहीं है तो हमें एक ले लेते हैं एक्स वाई का कॉलम। तो एक्स वाई का मतलब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into 2 2 2 into 6 12। ठीक है, ये सब मालूम करेंगे हम। ठीक है, अब हम ये मालूम कर चुके हैं, अब हम देखेंगे समीशन ऑफ एक्स, तो हम ये है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी मालूम कर दिए, एक्स क्यूब मालूम करना है समीशन ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का एक कॉलम ले लेंगे, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8। ठीक है, ऐसे हम सबका मालूम कर देंगे। सो आप लोग देख सकते हो मैंने मालूम कर दिया। अब एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाई को वो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक कॉलम पाएंगे, 2 into 1 2, 6 into 4 4 24। ठीक है, ऐसे सबको मालूम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इससे मल्टीप्लाई करें वही बात होगी। ठीक है, ये सबको हम मालूम कर देंगे। सी हम मालूम कर चुके हैं। सो अब क्या है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, एक्स क्यूब भी है, एक्स रेक्स टू फोर ये लास्ट टर्म है, इसके बाद कोई टर्म नहीं है, तो ये लास्ट हमारा कॉलम बन गया एक्स रेस्टू फोर। कैसे मालूम कर देंगे, चाहे इसका एक्स रेस्टू फोर मालूम करो, चाहे इसको स्क्वायर कर दो, ये सबको स्क्वायर कर दो, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16
आप चाहो तो 2 को 2 रेज टू 4 भी कर सकते हो तो 16 आएगा, ठीक है। चाहे इसको 4 रेज टू स्क्वायर कर देंगे तो भी 16 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सबका मालूम कर देंगे। सो हम एक्स रेज टू 4 मालूम कर चुके हैं। सो अभी हम सबका सबमिशन मालूम करेंगे। ये इसलिए बिकॉज हमें इस फॉर्म ये सब तीनों इक्वेशन में हमें पुट करना है, तो हमें इजीली मिल जाएगा समीशन ऑफ वाई। जो भी ऑल टर्म है इसके हम समीशन पहले से मालूम करेंगे तो हमें इजी पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम समीशन सबका मालूम करेंगे। तो समीशन ऑफ एक्स का क्या हो गया, ये सबका टोटल क्या हो गया 45। समीशन ऑफ वाई ये सबका टोटल 74। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये सबका टोटल 285, ठीक है। ऐसे हम इसका 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 सबका समीशन मालूम कर देंगे, ठीक है। सो हमने सबका समीशन मालूम कर दिया। अब हम द नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। तो द नॉर्मल इक्वेशन, सो हमने द नॉर्मल इक्वेशंस आर, ये हम तीनों लिख सके पैराबोला के लिए, ठीक है। सो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो समीशन ऑफ वाई कितना है 74, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टर्म है 10 टर्म है। आप लोग यहाँ पे एन इज इक्वल टू 9 मत लिखना, क्योंकि ये टर्म हमें गिनना है 9 है। तो ये हो गया 9a प्लस बी एज इट इज रहेगा। समीशन ऑफ एक्स 45 प्लस सी ऐसी रहेगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 285, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन एक्स वाई 4421 इज इक्वल टू ए ऐसी रहेगा, समीशन ऑफ एक्स 45 प्लस बी ऐसी रहेगा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 285, ठीक है। प्लस सी ऐसी रहेगा, समीशन ऑफ एक्स क्यूब 2025, ठीक है। अब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई का 2771 ए आई सी रहेगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 285 प्लस बी आई सी रहेगा, समीशन ऑफ एक्स क्यूब 2025 प्लस सी आई सी रहेगा एक्स रेज टू फोर का ये 15333, ठीक है। अब हम ये तीन अननोन है हम कैलसी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं आप लोग कैलसी से बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, एंड हम ए बी सी मालूम करेंगे एंड जस्ट ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। सो जस्ट कैलसी में आप जाएंगे मोड पे, फाइव पे क्या दिया है इक्वेशन, तो फाइव दबाएंगे, फिर ये इक्वेशन कौन से टाइप का है, ये थ्री इक्वेशन थ्री अननोन, इसका मतलब ये सेकंड टाइप का है। देखो ए बी सी अननोन है, ठीक है। तो हम सेकंड पे जाएंगे, ये सेकंड पे आ गया, तीन इक्वेशन तीन अननोन हमें मालूम करना है ए बी सी। इस क्वेश्चन में भी ए बी सी मालूम करना है, इन कैलसी में भी ए बी सी दिया है। सो हमें क्या अभी क्या ए की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। कितना है 9, फिर कितना है 45, फिर कितना है 285, फिर फाइनल में कितना है 74, ठीक है। अब क्या है, सेकंड क्या है 45, दूसरा 285, तीसरा 2025, लास्ट में क्या है 421, ठीक है। अब थर्ड वन है 285 फर्स्ट है, बी क्या है 2025, थर्ड क्या है 15333, सॉरी, ठीक है। ये क्या है 2771, ठीक है। तो हमें देखो क्या मिल गया, एक्स मतलब ए की वैल्यू मिल गई है -0.928, ठीक है। बी की वैल्यू है 3.523, ठीक है। सी की वैल्यू देखते हैं,
सी की वैल्यू माइनस में आई 2.67 सॉरी माइनस 0.267 राइट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है एंड हमें आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो ये रहा द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, वाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो वाई ऐसे ही रहेगा, ए का वैल्यू हमें मालूम किया अभी माइनस ज़ीरो पॉइंट नाइन टू एट। ठीक है, प्लस बी कितना है 3.523 एक्स प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि सी का वैल्यू हमें किस में दिया है, माइनस में। ठीक है, माइनस ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया, एंड अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड मैं और वीडियो इस पर बनाते रहूँगा। जो आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब ज़रूर दूंगा। एंड आप लोग ये भी बताइए कि मुझे किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाना चाहिए, एंड आप लोग को नहीं समझ में आता तो मैं वो उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। एंड सो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।